वेलकम बैक दोस्तों, हमारे इंस्पिरेशनल फ्राइडेज की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारे आज की कहानी का शीर्षक है गोल्ड मैं ही जीतूंगा। दोस्तों कहानी है 1948 की ओलंपिक्स की। 1948 में ओलंपिक्स की जो खेल होता है, ओलंपिक्स की जो गेम होती है, वो ऑर्गेनाइज हुई थी लंदन में। और उस टाइम की ओलंपिक्स में एक इवेंट होता था डीकैथलॉन। दोस्तों डीकैथलॉन उस खेल को कहते हैं जिसमें चार प्रकार की दौड़ होती है, तीन प्रकार के जंप्स होते हैं और तीन प्रकार के थ्रोज होते हैं। यानी कि ये एक पूरा जो इवेंट होता है, ये जो पूरा खेल होता है, यानी कि एक एथलीट को इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है। और जो एथलीट इन सभी में क्यूमुलेटिव बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसे डीकैथलॉन का गोल्ड मेडल मिलता है, उसे वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट का भी खिताब मिलता है। तो बात है 1948 के उस ओलंपिक्स की, लंदन ओलंपिक्स की, जिसमें ये डीकैथलॉन का जो इवेंट था वो जीता था अमेरिका के एक एथलीट जिसका नाम था बॉब मिथाइस। बॉब मिथाइस ने उस इवेंट को अपने अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन करके उस इवेंट को जीत लिया था। दोस्तों जब ये बॉब मिथाइस ने ये गोल्ड मेडल जीता तब उनकी पूरी देश में बहुत वाहवाह हुई। अमेरिका में हर न्यूज़पेपर में, हर रेडियो में उन्हीं का नाम था, उन्हीं की बोलबाला थी, उन्हीं की चर्चे थे। तभी एक 14 साल का लड़का, उन्होंने उस पूरे कवरेज को देखा और उन्होंने मन में ठान कि अगला डीकैथलॉन का गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। दोस्तों 14 साल का लड़का जिसने ना ही कभी ट्रैक एंड फील्ड में पार्टिसिपेट किया है, ना ही कोई स्पोर्ट खेला है, ना ही कोई एथलेटिक्स में किसी में पार्ट लिया है, वो सोचता है कि मैं अगला गोल्ड मेडल डीकैथलॉन का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एथलेटिक इवेंट है, उसका गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। सोच तो लिया, लेकिन उसके लिए उसने सिर्फ सोच के रुक नहीं गया, उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग, उसने 4 साल पूरी अपनी जी जान लगा दी ट्रेनिंग। और दोस्तों 1952 के ओलंपिक्स में, 4 साल बाद 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जब वो ट्रैक एंड फील्ड में अपनी स्टार्टिंग लाइन के पहले खड़े थे, बॉब मिथाइस जो कि इनकम्बेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो कि एग्जिस्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि 18 साल का लड़का है और मेरे साथ खड़ा है यहाँ पे, पूछा कि तुम क्यों आए हो। उस 18 साल के युवा ने कहा मैं गोल्ड जीतने आया हूं। बॉब मिथाइस से हल्के से मुस्कुराया कि मैं एग्जिस्टिंग चैंपियन हो रहा हूं, ये मुझसे कह रहा है कि मैं गोल्ड जीतने वाला हूं। ये 18 साल के लड़के ने पूरी जी जान लगा दी अपनी गेम में, सारे एथलेटिक इवेंट्स में, लेकिन वो गोल्ड नहीं जीत पाया। उसे क्या मिला? सिल्वर। और गोल्ड किसने जीता? बॉब मिथाइस। यानी कि बॉब मिथाइस जो कि 1948 का गोल्ड मेडलिस्ट था, वही 1952 में वापस गोल्ड मेडलिस्ट बना और इस साल सिल्वर मेडल के जो पोडियम होता है उस पे खड़े थे ये 18 साल के युवा। नाम है इस 18 साल के युवा का मिल्ट कैंप। दोस्तों मैं और आप होते तो सोचते कि मैंने 4 साल ट्रेनिंग की सिर्फ गोल्ड मेडल लेने के लिए और देखो मुझे सिल्वर ही मिला, मेरी बहुत चाह थी गोल्ड मेडल की लेकिन गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया। अगर है और आप होते तो शायद रुक जाते उस टाइम, कहते कि ठीक है मैं इनका कंपटीटर तो हूँ लेकिन मैं चैंपियन नहीं हूँ, और शायद डीमोटिवेट हो जाते। लेकिन मिल्ट कैंपबेल एक अलग मिट्टी के इंसान थे। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने उस पोडियम से, जो मेडल का मेडल जब जहाँ देते हैं आपको, जो पोडियम होता है, वहीं से उन्होंने कह दिया बॉब मिथाइस को, अगली बार तो गोल्ड मैं ही जीतूंगा। तो 1956 का ओलंपिक्स हुआ मेलबर्न में, और इस बार भी मिल्ट कैंपबेल और बॉब मिथाइस दोनों हाजिर थे डीकैथलॉन के इवेंट में। और इस बार मिल्ट कैंपबेल ने बॉब मिथाइस को मुंह पे कह दिया, बॉब यू हैव वेस्टेड योर टाइम कमिंग हियर, दिस टाइम द गोल्ड इज माइन। और हुआ भी यूं दोस्तों, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में डीकैथलॉन का गोल्ड मेडल मिला मिल्ट कैंपबेल को। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत इंस्पिरेशन दे सकती है कि हमारा अगर सपना हो, एक 14 साल के लड़के ने एक सपना देखा था कि मुझे डीकैथलॉन में गोल्ड मेडल जीतना है, और उसी सपने को लेकर उसने कड़ी मेहनत की। एक एस्टिमेट के मुताबिक उसने 10,50,000 मिनट तक, एक एस्टिमेट कहता है कि 10,50,000 मिनट तक ट्रेनिंग की और तब जाके उनको ये गोल्ड मेडल प्राप्त। दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हो हम उसे अचीव कर सकते हैं, सपने चाहे कितने भी बड़े हो
हम उन्हें सच कर सकते हैं। अगर कड़ी मेहनत और रिजिलियंस हो, परसिस्टेंस हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। मिल कैम्बेल चाहते तो 1952 के बाद छोड़ सकते थे कि नहीं, ये गोल्ड मेडल मेरे लिए नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी मुझे सिल्वर मिला। लेकिन वो रुके नहीं, उनका जो सपना था कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना ही है, वो 1956 में साकार हुआ। मेरे और आपके बहुत सारे सपने हैं जो हमें भी इम्पॉसिबल लगते हैं, हमें भी लगते हैं कि ये बहुत फारफेच्ड है, ये बहुत अनरियलिस्टिक है। लेकिन दोस्तों, जो लोग अनरियलिस्टिक सपने देखते हैं वही अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स लाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी इस मोटिवेशनल कहानी का फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पे थम्स अप देना ना भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अगले फ्राइडे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।